सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे का टॉपिक वीडियो का कुछ इसका है ना, गाड़ी का रिव्यू नहीं होगा। ये है हमारी टाटा की सफारी डेकोर, ऐसी कुछ इसकी की आती थी। तो इसकी मैं बताता हूँ, इसमें एक टाइम से कुछ खराबी आने लग गई थी धीरे धीरे करके, तो ये ऐसी खड़ी रहने लग गई। फिर इसको 2 साल से हमारी गाड़ी ऐसी खड़ी थी। तो अब इसका मैं वीडियो बनाने का मोटिव है कि आपको बताऊंगा। अब इसका लास्ट टाइम आ गया, तो लास्ट टाइम में इसकी पूरी वीडियो वगैरह बना के कि अब इसके हमने टायर चेंज करवा दिए, पहले बंद पड़ी थी ये, अब इसमें इंजन भी स्टार्ट करवा दिए। तो आपको दिखाऊंगा इसके आफ्टर एंड बिफोर की वीडियो की सर्विस के लिए जाएगी आज ये, तो इस वजह से इसकी वीडियो बना दूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि इधर से अभी सामने से पूरा इसका पेंट वगैरह सब कुछ उखड़ा हुआ, पूरा ख़राब पड़ा है। तो इसमें बताऊँगा ये पेंट वगैरह कुछ होके नहीं आएगा, ये इसके कुछ वगैरह बस इसकी इंजन की सर्विस वगैरह और साफ़ होके आएगी बस ये। तो और ये गाड़ी आप जानते हो कि इसमें जो टाटा की 407 आती थी, जो ट्रक पिकअप आता था उसका इंजन आता था। इस गाड़ी की इतनी खासियत है ना कि पूछो मत। इस गाड़ी की बताते हैं कि इसका जो जवानी मतलब नई नई होती है ना, तो उसको इतनी अच्छी चलती है कि उस टाइम पर कुछ भी जल्दी था। वो बुढ़ापा जो होता है इसका बहुत गंदा होता है, तो आप देख सकते हो कि इसका बुढ़ापा कितना गंदा है। तो इसके वीडियो के कि उसकी जो लास्ट टाइम चल रहा है गाड़ी का, अब इसके बाद ये चले जाएगी। इसको इधर से देख लो कि कैसी लग रही है, बिल्कुल गंदी सी हुई, बिल्कुल पूरे टायर वगैरह सारे। इसका बैक लुक भी दिखाता हूँ आपको, तो पूरी बैक से भी ऐसी हो रखी है। और ये गाड़ी हमारी इतने टाइम से खड़ी थी कि इसके साइड से लोग है ना, चोर वगैरह इसके वो जो साइड मिरर होते हैं वो आरवीएम उनको काट के ही ले गए दोनों तरफ के, क्योंकि उनको बिल्कुल सही थे वो। और इसके जो बिकते हैं वो महंगे बिकते हैं और उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इधर से इसका पूरा फेंडर टूट गया इन्होंने कुत्ते वगैरह ने, तो वो तो अंदर रखा है। साइड से पूरी ऐसे ख़राब सी हो रखी है। अब इसका आपको इंटीरियर लुक भी दिखाता हूँ, इंटीरियर के लुक की तरफ लेके चलता हूँ कि आपको अभी बताऊँगा कि कैसी है। अंदर से आप देखो पूरे मिट्टी हो रखी है, और ये अपने चूहा पूरी गंदी हो रखी है, चूहा वगैरह में क्या अपने वेस्ट कर वगैरह सब कुछ कर रखा है। तो इधर से पूरी मिट्टी पूरी इतनी हो रखी है ना। अब आपको इसकी बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा, और जिसका एसी इसकी खासियत भी बताता हूँ आपको एक दो गाड़ी की। पहले आप इसका पूरा ओवरव्यू देखो कि कितनी गंदी इधर से पूरी। और ये डेकोर है 4x2 आती थी उस टाइम। इसको फेंडर का वो गार्ड पड़ा है जो आपको बताया था अभी टूटा हुआ, पीछे से दिखाता हूँ आपको। और इस गाड़ी का एसी इतना पावरफुल था ना कि भरे से भरी गर्मी में भी काफ़ी चिल्ड मतलब ठंड लगने लग जाती है। और इस गाड़ी जैसा एसी आज तक नहीं था। अब तो नई वाली सफारी आ रही, बिल्कुल एमपीवी की तरह कर दी, जिसकी पूरी लेगेसी थी वो ख़राब कर दी आज अब नई वाली सफारी ने। की साइड वाली भी दिखाता हूँ कि कितनी गंदी पड़ी है। इधर से आप देखोगे पूरे मिट्टी गंदी हो रखी है। और इसकी जो सीट आती थी वो अपनी कैप्टन में नहीं आती थी, वो अपनी साइड फेसिंग में आती थी, जो कि सेफ्टी के से काफ़ी बिल्कुल सही नहीं थी। इसका इतना बड़ा ये टायर सा रखा है, पूरी गाड़ी अपनी पूरी गंदी हो रखी है। और जिसका स्पेयर व्हील है बाहर की तरफ दे रखा था, मतलब आप देखोगे इधर भी इतनी गंदगी सी, मतलब ये चूहों की जो पॉटी वगैरह होती है वो पड़ी है पूरी गाड़ी में, इतनी गंदी अच्छी क्लॉक दे रखी थी। अब आपको इसके थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह डाल देता हूँ, ये बिफोर में डाल लूँगा उनको कि ये कैसी होगी, उसके बाद फिर आफ्टर के डाल लूँगा इस वीडियो के। जैसे कि बताया था कि हमारी सफारी अभी सर्विस के लिए जाएगी, इसमें जो काम वगैरह होके आएगा साफ़ होके आएगी, तो मैं उसको बताऊंगा। तो वो हमारी साफ़ वगैरह होके सर्विस वगैरह होके सब कुछ वॉश वगैरह होके आ चुकी है। तो आपको दिखाता हूँ इसका लुक, ये देखिए, मतलब इतनी भी साफ़ नहीं है पर पहले से जो साफ़ थी वो हो चुकी है। इसमें आपको बताया था पेंट नहीं होके आएगा, तो ये नहीं होके आया। और थोड़ी बहुत कल बारिश भी हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत गंदी सी हो गई, ये थोड़े बहुत स्पॉट्स पड़ गई। जैसे कि आपको मिरर शीशे पर दिखाता हूँ मैं ग्लास पर इतने। तो आपको थोड़ी देर में इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ अभी, आप पूरा भी बाहर से लुक देख लो इसका।
ये पूरी साफ़ होके आ चुकी है। उसको वायरिंग का काम था वो भी करवा दिया। मतलब ये कल साफ़ होके आई थी तो मैं भी बाहर था उस टाइम पे, तब देखी नहीं थी गाड़ी कैसे साफ़ होके आई है। किसी ने भी तो बाहर साम बगल में चाबी दे गए थे, तो अब मैं भी इसका इंटीरियर देखूँगा। अब देखो इधर से बिल्कुल साफ़ हो गई, आपको डस्ट वगैरह थी बिल्कुल नहीं दिखेगी। इधर से आप देखो पूरा इंटीरियर वगैरह पूरा साफ़ होके आ चुका है अपना। एक पूरी सीट वगैरह, ये इसमें तो चूहे फिर से अपनी गंदगी मचा गए। अरे इधर चूहों को कुछ करना पड़ेगा या तो फिर इधर से गाड़ी हटानी पड़ेगी। या आप डैशबोर्ड देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है अपना, स्पीड मीटर वगैरह, उधर भी चूहे गंदगी। पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये पीछे से देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ़ वगैरह हो चुके आ चुके हो अपनी गाड़ी। ये सीट को इसको ऐसे सीधी करता हूँ पहले, सीट वगैरह भी देखो आप। इधर से पीछे नहीं है वो चूहा ने जो गंदगी में चाहिए वो आगे ने कर रखी है। इसके एसी वेंट्स वगैरह सब कुछ साफ़ होके आ चुकी है अब बिल्कुल एकदम मिंट कंडीशन में है गाड़ी। क्या दिखाता हूँ पीछे से देखो, पूरी साफ़ है अपनी गाड़ी। और इसमें देखो पीछे वालों के लिए ऊपर दे रखा है, पर अपन इसको नीचे भी कर सकते हैं नीचे वालों के लिए, जिसमें एसी इधर वेंट्स इधर भी दे रखे हैं। तो इसका जो काफ़ी एसी था, जब हम भी कहीं जाते थे तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देता था। और इसका बूट देखोगे वो भी पूरा साफ होके आ चुका है। आपको इसके कुछ सिनेमेटिक्स वगैरह दिखा देता हूँ। इसके सिनेमेटिक्स देखेंगे तो ये था अपनी सफारी का बिफोर एंड आफ्टर का लुक। अभी ज़्यादा खास मॉडिफाई वगैरह करवाई नहीं है, पर आपने इसका पहले का लुक देखा होगा तो कितनी गंदी वगैरह कैसी थी, तो आप देख सकते हैं कितनी साफ वगैरह हो गई। अब मैं इसकी एक खासियत तो बताता हूँ कि लोग जो लोग बोलते हैं टाटा की गाड़ी रिलायबल नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे कितने साल पुरानी गाड़ी है आप देखो। और जब कितने टाइम बाद स्टार्ट हुई थी ना तो इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, और क्योंकि ये 2.2 डीजल इंजन और है तब भी आवाज़ नहीं थी बिल्कुल भी इसमें। तो ये था कुछ अपनी लेजेंड सफारी डेकोर 2.2 का बिफोर एंड आफ्टर लुक। ज़्यादा खास वीडियो नहीं थी, पर आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।